Good morning. Sit down. Hold on. Read this slide. Okay. Yes, come. Maths, na? Yes, sir. हमने देखी वो थे सारे सम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड और 13.2 सिलेंडर राइट। तो उसके पहले हमें सारे फॉर्मूला सिलेंडर के हम एक बार याद कर लेते हैं। एक्चुअली तो पूछने थे ना फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया 2πr h प्लस r एंड वॉल्यूम इज πr स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं है सरफेस एरिया रिलेटेड। सो द फर्स्ट टर्म इज the curved surface area of a right circular cylinder of a height 14 cm. So height is 14 cm and uska curved surface area diya hua hai. Curved surface area kitna diya hua hai? 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. Kya find karna hai hame? Diameter. Obviously radius mil jayegi, uska hum kya kar lenge? Double. And h is 40, so 7 से उसका 88, ये 2, 22 and 2 denominator में जाएंगे,
सारा कट हो जाएगा तो दैट इज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर बट इट ये एकदम फटाफट लिख लो साहब ओके लिखने में थोड़ी स्पीड रखना आप वहां तो क्या करते थे हम स्क्रीन पर ले लेते थे बाद में लिख लेते थे और दो तीन दिन बाद हम आपकी सारी नोटबुक मैथ्स की जो मैंने जितना भी करवाया वो सब चेक करेंगे सबका रेडी रखना अभी एग्जाम है दो दिन तो पर बर्डन नहीं रहता And yes, so easy. Okay, okay. See the second one. It is required to make a closed cylindrical tank. Closed cylindrical tank banani hai. Of a height 1 meter. Height is 1 meter. And the base of the diameter, diameter is 140. So radius हम सीधा ले लेंगे कितना? 70 centimeter. From the metal sheet. How many square meter of sheet is required for the same? तो यहाँ पे हमें question में क्या बोला है? कौन सी sheet बनानी है? कैसा बनाना है cylinder? Close. Close यानी total surface area का हम formula put करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच लिख दो वैल्यू पुट कर दो और आंसर लाओ चलो फटाफट आता है ना उतना तो वैल्यू पुट करके आंसर यस अभी देखो यहाँ पे 1 meter है बेटा 100 centimeter या तो इसको मीटर में करोगे तो 0.70 meter आपकी मर्जी हमने वो मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया यानी 100 plus 70 7 से 10 440 और ये हो जाएगा 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में थोड़ा बहुत बड़ा आंसर है अगर मुझे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा सिर्फ 4 पॉइंट निकाल दूंगा 308 मीटर स्क्वायर या तो आप पहले से ये सेंटीमीटर को मीटर में करके कर दें तो भी आपका आंसर किस में मिल जाता हाँ बोलो अरे सॉरी 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 माय मिस्टेक मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया इट्स अ 170 वेरी गुड एक के ध्यान में आया और किसी के ध्यान में नहीं आया नाउ 73 × 44 इट इज 7480 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी इसको मीटर में करना है तो 2 पॉइंट कट करेंगे ना 4 पॉइंट क्योंकि 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter बट इफ वी डिस्कस अबाउट 1 meter स्क्वायर तो 10,000 centimeter स्क्वायर ओके तो थर्ड सम देखने के हम सेक्शन में आते हैं
थर्ड सम में अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. लॉन्ग मतलब पाइप के लिए हम बात करेंगे हाइट. इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज बी 4.4 सेंटीमीटर. ये क्या हुआ बेटा, ध्यान रखेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इसका सिलेंडर बना रहा हूं, दिस इज द सिलेंडर. तो अंदर की डायमीटर मतलब कितनी, तो मुझे ये अंदर की डायमीटर कितने में दी, राइट? तो ये कितनी दी हमें, इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर. आउटर, आउटर मतलब यहां से लेके यहां तक, दैट इज कितनी, ये कितनी है 4.4. तो ऐसा क्यों होता है बेटा, इनर और आउटर इतना डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द थिकनेस. अगर मान लो सिलेंडर का कोई थिकनेस ही नहीं है, मान लो कि मैं एकदम सिंपल एक पेज में से मैं सिलेंडर बना रहा हूं, अगर मैं पेज में से सिलेंडर बना रहा हूं तो क्या होगा, इनर और आउटर में बोले नो डिफ माइनस, वो तो गिनेंगे तो चलता है. बट जब थिकनेस थोड़ी ज्यादा रहती है तो इनर और आउटर के डायमीटर दैट इज रेडियस में भी थोड़ा चेंजिंग रहे. तो हम कन्वर्ट कर देते हैं रेडियस इनर, ऐसे मैं लिखूंगा शॉर्ट में इन, कितने है 4, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 2, एंड रेडियस आउटर कितनी 2.2, 4 है ना इसीलिए. चलो वेरी गुड, मतलब कितना हमने फाइंड कर दिया. हाँ, अभी इनर है कि आउटर, दोनों के लिए हाइट तो सेम ही रहेगी. हाइट तो अंदर से मेजर करो या बाहर से मेजर करो, हाइट विल बी द सेम. तो क्या फाइंड करना है हमें फर्स्ट वाले में. चलो अभी ध्यान इधर, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर एच, 2 दैट इज 22/7 आर. इनर की पाई कर ले तो इनर वाले रेडियस लिखेंगे कितनी 77, 2 से कितना हो जाएगा 11, 11 टू जा 22 484 Into 2, it is 968 सेकेंड फाइंड करना है हमें. क्या फाइंड करने के लिए बोला है, आउटर कर्व सरफेस एरिया. आउटर कर्व सरफेस एरिया अगेन सेम फॉर्मूला, बट दिस टाइम वी पुट द वैल्यू 2.2, that is 22 by and height is, यहाँ से कट करेंगे तो now 22 484 and again 11 to that 22 and 484 and 22. एक पॉइंट कट कर देंगे, इट इज 1064.8, यानी हम 80 लिखते हैं नॉर्मल. मैं 8 लिखो या 80 लिखो उसमें कोई चेंज है, मैं अगर इतना लिखूं 3. इसको मैं मान लो कि रुपीस की बात है, मैं अगर लिखूं 3.5, इसको पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे स्टेटमेंट में, 3 रुपीस एंड 3 रुपीस एंड 5 पैसे को हम ऐसे पढ़ेंगे, छोटे सर इसमें तो 5 लिखा, समझो. आपने आज तक ऐसी जगह के पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जीरो पुट करो ना, तो बहुत बड़ा ये आपके सामने मैंने ये रखा कि 3.5 मैंने पुट किया,
अगर मैं पुट कर रहा हूँ 3.5 रुपीज, तो ऑब्वियसली पढ़ने वाला ये पढ़ेगा 3 रुपीज एंड 5 पैसे, गलत। 5 पैसे तो कैसे लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं, तो ये कितना 3 रुपीज एंड 50 पैसे। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 3.500, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 रुपीज एंड 500 पैसा, तो कैसा। इसीलिए परफेक्ट जीरो होनी चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पे जीरो इसीलिए लिखा। अभी ये क्यों होता है, पीछे आंसर में वो सब चले जाता है और चलता भी है, बट तो इसमें कितना डिजिट रखना चाहिए, तो हमें डिजिट पता होना चाहिए, मतलब रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि हमने ये सेंटीमीटर स्क्वायर रखा, बराबर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब ये कितना हुआ 1068 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद पॉइंट के बाद दो डिजिट आए। मान लो कि रुपीज है, रुपीज में आप करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, दो होने ही चाहिए। मान लो कि आप किलोग्राम की बात कर रहे हो तो तीन होने चाहिए, वरना आप अगर सब्जी वाले के पास जाते हो, भाई मुझे 5.5 केजी सब्जी दो, इसका मतलब क्या हुआ, 5 केजी एंड 5 ग्राम 500 ग्राम हुआ। चलो मैं 5 केजी एंड 5.50 लिखता हूँ, इसका मतलब 5 केजी एंड 50 ग्राम, नो अगेन 500 ग्राम। अगर मुझे 50 ग्राम लिखवाना है तो 0.50 ऐसे लिखूंगा, और 5 ग्राम ही करना है तो 0.05 तो बाकी हद तक आगे जो बढ़ेगा, बल्कि मैंने इसे बताया था इस टाइम मेरी जब डेसिमल की बात हुई, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पॉइंट के पीछे जीरो कोई मार्क्स नहीं काटता, फॉरवर्ड द मार्क्स, बट हमारे नॉलेज के लिए कि डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जीरो रखना नहीं रखना, वो हमें देख लेने के लिए उनका रिलेशन क्या है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर है, तो मीटर के बाद सेंटीमीटर आता है, तो मीटर और सेंटीमीटर के 100 के रिलेशन है, तो डेसिमल के बाद हो जाएगा किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर। अंडरस्टूड? तो ये मिल गया हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज द थर्ड? ओके, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया में? कम ऑन, आपको पता है ना बेटा, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। ऑब्वियसली सर आपने तो लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऊपर ही आ रहा है, पर वो टोटल यहां पे यूज नहीं करना है, बिकॉज़ मैंने आपको बात की ना, टोटल सरफेस एरिया मतलब मान लो ये आपके पास सिलेंडर था, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये रिंग दोनों साइड, तो इनर और आउटर को हमने फाइंड कर लिया। अभी हम बात करेंगे ये रिंग की, इसका जो एरिया मिल जाता है उसको हम फिर तीनों को हम क्या कर लेंगे, 10। समझ में आया? हाँ, सिर्फ आपके पास इतना होता है, वो सिलेंडर है भी ये, हाँ ये है क्यूबॉइड, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो ओके इसका टू ब्रैकेट एंड इधर बी एन पता है, तो मान लो कि ये सिलेंडर है, ओके 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, कितने वाला है और ऊपर नीचे ऊपर है पाइप है, उसकी टोटल मतलब हमें अंदर का भी पोर्शन दिख रहा है, बाहर का भी पोर्शन दिख रहा है, और ये कितने की दिख रही है, दैट इज व्हाई ये सब में थोड़ा ध्यान केयरफुली ये सब हमें करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग, नॉट अ सर्कल, एरिया ऑफ रिंग, इट इज नॉट अ सिलेंडर, भूल से भी मत, गलती मत करना, ये जो आपको दिख रही है वो रिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिंग, या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्कुलर सेक्शन, बट रखो ना ये इजी रहेगा, बराबर। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट इसमें क्या करेंगे, पाई ब्रैकेट में आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, मतलब आर आउटर माइनस आर इनर, मतलब कि ये जो मेरी थिकनेस थी, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, सिर्फ इसका, तो
तो मैंने अंदर से लेके सेंटर से लेके बाहर तक जो मेरे पास रेडियस है वो आउटर की रेडियस, मतलब मैं जब इसका एरिया फाइंड करूंगा आउटर सर्कल का, तो मुझे ये पूरे सर्कल का मिलेगा, पर मुझे अंदर से ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये कौन सा सर्कल है, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो ये वही किया है मैंने, आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल का, लॉक करना भूलना नहीं इसको, pi that is 22/7, radius outer is 2.2, uska square karenge 4.84, 2 ka square 4, 22/7, 4.84 mein se 4 jayega 0.84, 84 upon 100, 7 se isko cut karenge to 14, 308 aur 2 point cut karenge 17 the square. तो ये मुझे मिल गया इसका एरिया 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस, ये तीनों का क्या करेंगे हम, एडिशन तो आता है ना आपको, आपके लिए चलो सिर्फ लिख लेना, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दिस वन दिस वन, then Thank you.
रेडी नेक्स्ट फोर्थ सन पढ़ लो क्वेश्चन में टाइप मीटर स्क्वायर में पहले तो फाइंड करना है तो हम पहले से इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इट इज 0.42 मीटर एंड इट इज 1.20 मीटर ओके पेन डाउन अभी से रूलर तो आपने देखा ही होगा अभी वो जो रोलर है वो 500 चक्कर लगाता है फिर यहाँ फिर ऐसा 500 चक्कर लगाता है तो कितना मीटर स्क्वायर एरिया को वो कवर करेगा मतलब जो ये रोलर है उसका शेप कौन सा सिलेंडर अभी तुम कवर्ड सरफेस एरिया लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया लेंगे सच कर टोटल क्यों नहीं लेंगे हाँ मान लो कि ये हमारा रोलर है हाँ किसी को टोटल लेना तो ले सकता है बट उसने कभी ऐसा रोलर देखा हो जैसे ऐसे रोलर आए कि तो वो टोटल ले सकता है हाँ पर उसका वीडियो मुझे दिखा देना जैसा मेरे को ऐसा रोलर है जो ऐसे क्यों घूमता है ऐसे क्यों घूमता है इसीलिए मैंने टोटल लिया मैं आपको आंसर करेगी अच्छा सही है कि ऐसा रोलर होता है इसमें तो पूरा नहीं है कवर सरफेस एरिया पूरा है नहीं बोला है टोटल भी नहीं बोला है तो ऑब्वियसली आपने जो देखा होगा वही आप लिखोगे या जो सही होता है वो लिखना पड़ता है मान लो कि आपने कोई देखा ही नहीं है तो आप जो सही है वो लिखना है तो सही ऑब्वियसली है कि मैंने भी आज तक यही वाला रोलर लिखा है इसीलिए मैं वही वाला लूंगा अगर आपने से किसी ने लिखा हो गूगल पे सर्च कर लेंगे रोलर जो ऐसे ऐसे भी होता है तो वो करके आना हम वो भी सही देंगे चलो तो क्या लिखेंगे curved surface area of roller is equal to 2 pi r h so 2 ek kaam karte hain curved surface area of roller chalo pehle kar dete hain 22 by 7 your r is 42 by 100 and h is abhi hai na calculation karne ke liye hame zero ko nahi gante actually to 1.20 hi likhna padta hai पर कैलकुलेशन करने के लिए क्योंकि क्या होगा आप ये लिखोगे दो करोगे तो वैसे भी जीरो तो कवर होने वाला के 76 जा अभी कट मत करना भूल से दे यार इसको इसको नीचे 1000 रहने दो क्यों कट मत करोगे क्यों मैं कट ना करूं मैंने आपको बताया था इस स्टैंडर्ड में कि मैथ्स में ये ट्रिक होती है आपने आज तक तो देखा ही आपके टीचर ने भी सिखाया है जितना उल्टा है उतना उठा लो बाकी बचता है वो रहने फिर डिवाइड कर दो मैं ऐसा क्यों मना करता हूं कि नहीं भी इसको कट मत करो दिस इज पॉइंट टू उसमें भी आप डिवाइड करोगे इसको कट कर लो तो भी आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट आ जाएगा इसमें भी पॉइंट आ जाएगा तो इसमें क्या होता है मान लो कि किसी की इच्छा हुई प्रबल इच्छा कि ना सर मुझे तो कट करना ही कोई बात नहीं टू से यहाँ पे 5 होगा फिर 12 से यहाँ पे 20 होगा फिर टू से 5 नीचे 25 आ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 25 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करने का ये मेथड शुरू हो गया यू आर इन द 9 नेक्स्ट 10 में तो 10 के अंदर सिस्टम क्या होनी चाहिए हमारी आना तो चाहिए प्लस स्पीड काफी बार सुना होगा बच्चा बच्चों से सुना होगा बोर्ड में कि भी मेरा ये क्वेश्चन छूट गया मेरा ये दो सम छूट गया है ना होशियार तो उसका रीजन यही होता है कि वो जो 10 मिनट का सम होता है उसको वो 15 मिनट में करते हैं बिल्कुल तो ये छोटी छोटी चीजें वो सब ध्यान रखते हैं तो इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 पॉइंट कट कर देंगे तो कैसे ना मैं करवा दूंगा दूसरी बात चलो ये तो नीचे 100 और 10 पर मान लो यहां पे c1 होता है d3 होता है व्हाटएवर तो भी मैं यहां पे कंप्लीट कर देता तो मेरा आंसर यहां पे आ गया है कि अभी मुझे आगे करना है इसको ये सम को अभी आगे करना है कि यहां पे खत्म हो जाएगा करना है क्या करना है हमें
500 रिवॉल्यूशन में मिला है, ये तो जो एरिया मिलेगा हमें एक रिवॉल्यूशन का मिलेगा, तो मुझे अभी मल्टीप्लाई बाय 500 तो करना है कि नहीं करना है। तो जब भी सम खत्म ना होता हो और बीच के अंदर ऐसा डिवाइड आ जाए तो उसको एज इट इज रहना, एज इट इज, मल्टीप्लाई भी मत करो, लास्ट में करेंगे। देखिए क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार नहीं काफी बार, कि भाई यहाँ पे कट बट कट कर दिया, मतलब यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने में हमने टाइपिंग किया, फिर आगे गए और एक मीटर स्क्वायर का इतना रुपया तो इतने का इतना, तो फिर से वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो दो दो बार की मजदूरी लगे। तो आंसर एंड में ही हम सब डिवीजन करेंगे, बराबर। तो इसको मैं एज इट इज छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन ये कर देता हूँ, ये 44 है और 72 मीटर स्क्वायर, ये मुझे एक रिवॉल्यूशन का मिला। तो वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 44 इनटू 72 अपॉन 1000 मीटर स्क्वायर, तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 44 इनटू 72 अपॉन 1000 इनटू, देखो मस्त कट हो गया, और भी मस्त कट हो गया। यहाँ पे आप सोचो कितनों ने सोचा था कि यहाँ पे कट तो फिर से ईमानदार थे कि भाई ये 6 का आधा, कितनों ने सोचा था, सोचा ही होगा काफी ने कि इसका आधा 3, इसका आधा 5, इसका आधा, तो वो आधा 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 करते हैं और वो आधा फिर यहाँ फिर से कर दे। अभी सिर्फ हमारे हमें क्या करना है, देखो आप ध्यान से, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और वो भी एकदम छोटा, मैं यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट होता है, फिर वहां 500 बचता, 5 बचता, तो वहां पे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बेटर है कि ये सीधा 72 इनटू 22 इज 1584 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 500 राउंड में वो इतना मीटर स्क्वायर। टिप वाला होमवर्क, हाँ मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिख के मल्टीप्लाई बाय का ट्रेंड कर देना है, पर ध्यान रखना सेंटीमीटर में उसको मीटर में जो भी करने की जरूरत पड़े। फिर सिक्स वाला है वो बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा है, सिर्फ पॉइंट में सिक्स वाला होमवर्क है। सेवन वाला होमवर्क जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान रखना बेटा, मैं कभी भी होमवर्क में एक्चुअली वहां पे सारे कर देते थे, बट मेरा होमवर्क ऐसा होगा कि जो हमने सीखा है थोड़ा सा भी नया होगा तो मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा, बट ये तीन मैंने दिए इसका मतलब बिल्कुल आगे जो मेथड आ गई वही है सिंपल फॉर्म में। चार सब होमवर्क में दिए मैंने, 5, 6, 7 and 8 ओके। चार सम होमवर्क में दिए मैंने, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है उसमें, कुछ नया नहीं है।
देखा नाइन्थ नंबर का सम आपने क्या उसके अंदर ना 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 बात में find the lateral surface area or it is also called the god surface area of closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter is height. Diameter is 4.2, that is radius is and its height is 4.5 meter. मतलब मान लो कि हमारे पेट्रोल पंप बनाओ ओके स्पेस है मेरे पास गवर्नमेंट से परमिशन दे दी और मुझे टैंक नीचे लगवानी है तो बताया गया कि टैंक 2.1 मीटर रेडियस वाली और 4.5 मीटर हाइट वाली वो टैंक बनाने राइट तो ऑब्वियसली वो स्टेनलेस स्टील की ही हम बनाएंगे हमारे पर तेरे पानी की टैंक खाली डीलर पर जाओ पर करने दिए जाले ठीक है तेरे पानी अंदर है तो मौसम ना बाम पेट्रोल मौसम पड़े तो ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील की चाहिए दूसरी बात उसमें थोड़ा भी नीचे थोड़ा भी ऊपर नहीं चाहिए वरना क्या होगा फूट जाएगा एवोपरेट हो जाएगा तो टैंकी कैसे चाहिए मतलब मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा लेटरल के कवर अरे टोटल के कवर बट मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोला है समझ में आ जाए ऐसे देखो कंफ्यूज यहां पे स्टूडेंट को सम एक्चुअली सम ही ऐसे होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा क्या है ध्यान से find the lateral or curved surface area of closed cylindrical petrol storage matlab petrol tank abhi kaisi hai closed hai but aapko find kya karna hai hai na main tumhe so find karwa dun agar wahan pe aage likha na hota curved surface area aur sirf aisa bola hota sirf aisa ki aisi petrol tank hai to mujhe kitni sheet chahiye to main kya find karta अभी मेरी इधर इच्छा है इसको कट कर लो पाई से क्यों इच्छा है क्योंकि ये यहाँ पे कट हो रहा है इसीलिए पाई नहीं इधर अभी मैं ये टेन को कट नहीं करूंगा हो रहा है इधर से 11 इधर से 5 बट क्या होगा फिर मल्टीप्लाई करने के बाद पाई से मुझे डिवाइड करने जाना पड़ेगा क्यों जाओगे बराबर 27 इंटू 22 इट इज 594 एक पॉइंट कट मीटर स्क्वायर बराबर है ना तो फर्स्ट वाला आंसर है सेकंड में क्या बोला है समझना था आंसर इसीलिए मैंने ये सम होमवर्क नहीं दिया हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक मतलब पहले तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है वो तो कंफर्म हो गया है कि अभी हम जो टैंक बनाने की बात है तो प्रश्न और बीस दोनों आ जाएंगे बट जब हम सीट मंगवाए के बाजार से तैयार तो मिलेगी नहीं उसको बनाने के लिए थोड़ा उस सीट का वेस्टेज होगा कि नहीं कटिंग में वो जाएगी कि नहीं जाएगी तो जो वेस्टेज जाता है वो टोटल जितना होता है आदित्य उसका 1/12 वेस्टेज जाता है तो कितनी सीट मंगवानी पड़ेगी अब जाता है कि हमारा घर ફર્નિચર નું કામ ચાલે છે બરાબર ફર્નિચર માં જે કાર્પેન્ટર છે એમને તમને કહી દીધું છે કોઈ આટલો આટલો ઘરમાં કરવાનું એટલે એમને 25 સીટ લેતા તેના ઘરે ફર્નિચર જોયું 25 સીટ લઈ લે તો આખી આખી સીટ ચીપકાવે પટ્ટી પટ્ટી કરતા છે ને વેસ્ટેજ જતો છે ને ઘરમાં તો યહાં પે ભી એસે ટેન્ક બનાને કે લિયે વેસ્ટેજ જા રહા હૈ વો ટોટલ જિતના આપ મંગવા રહે હો ઉસકા 1/12 વેસ્ટેજ જા રહા હૈ अभी पहले तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर
22/7, 21/10, फिर h is 4.5 और ये 2.1, 7 से 3 जा, इनटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 6 एंड 6, 66/10, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 66 है ना, 5 एंड 6, ओके, 13266, मतलब कि अभी हमारे पास जो टैंक है ना, ये वाले टैंक, मतलब ये पेट्रोल टैंक है, ये कितना एनर्जी लेगा, बट हमने जो स्टील लाए थे ना वो इतनी नहीं थी, इससे थोड़ी ज्यादा लाए थे, क्योंकि थोड़ा सा स्टील देते हो गया, तो हमें ये फाइंड करने के लिए नहीं बोला, फाइंड करने के लिए क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, आपने कितना स्टील को यूज किया है, एक्चुअली कितना स्टील लाए थे आप, इफ 1/12 ऑफ द स्टील वाज यूज्ड एज अ बेस स्टील, मतलब कि ये कितना यूज हुआ है पता है आपको, अब बताएगा 11/12, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, मान लो कि हम टोटल जो स्टील लाए थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम चले जाते हैं और फिफ्थ स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन चैप्टर में, मान लो कि हम बाजार में से ये स्टील लाए, मतलब कि इतना पोर्शन मेरा वेस्ट हो गया, ये जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो कितना है मेरा, तो ऑब्वियसली ये जो यूज वाला पोर्शन है वो कितना हुआ होगा, तो ये जो है ना वो ये वाला है, समझ में आया, तो लिखेंगे लेट टोटल सिक्स इज इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर, तो ये जो है वो क्या है पता है, 11/12 ऑफ x इज इक्वल टू 8712/100, ये आना चाहिए, फिर से ये जो हमने मेजर किया वो ये वाली सीट है, अब ये वाली सीट कितनी है 11/12, इसकी 11/12 की ये होल सीट जो थी हमारी x, कितनों को समझ में आया बेटा, ये मैंने लिखा है जस्ट रेज योर फिंगर, यानी नहीं है थोड़ा नहीं आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, फिर से एक बार हमारी जो सीट है वो पूरी एक्स है, ये पूरी जो हमें फाइंड करनी है, उसमें से ये वाला पोर्शन 1/12 हमारा वेस्ट है, वो जाने दो, यूज कितना किया है और वो हमने जो फाइंड किया है वो भी यूज वाला, ये वाला एक्चुअली यूज जो है वो अभी हम फाइंड करेंगे, ऑफ यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे x is equal to 8712/100 when ऊपर चला जाएगा 11 नीचे, अभी जो हमारी भी भूल मैं ये मल्टीप्लाई करी ना के बोलू, क्योंकि जो मैं 66 से रखी हो तो ये भी 66 आ वक्त 11 से मस्त कट गया, कितना 6 मल्टीप्लाई कर पहले से मल्टीप्लाई 792 है ना 12, It is 95.04 meters per. एक बार पीछे जस्ट आंसर चेक कर लेते हैं। उस बार पढ़ते थे ना इसमें। आंसर चेक कर लेते हैं। At that time I am also human, not a calculator. अरे भाई मैं 59.4 इधर? 59 हाँ ये तो पहला आंसर है। मतलब 59.4 तो। तो सही है। First पर ये ना। ओके चलो कर लो बड़ा